बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम्स एंड हनी चैनल। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर अदरा से केक कपड़े लेने, और उसके हम लोगों ने कपड़े देखने, अब क्या पता कहाँ से मिलते हैं। तो चले चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें उसके ड्रेसेस को ढूंढना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आए हुए हैं अल जन्नत मॉल। तो यहाँ पर हम पहुँच कर फिर हम मॉल के अंदर गए और अब्दुल रफ़ी के कपड़े हमने देखे, कौन से नए। काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन ये है कि कोई अब्दुल रफ़ी के कोई साइज़ के नहीं थे, कोई छोटे थे बहुत और कोई बड़े थे, तो उसका एग्जैक्ट साइज़ नहीं मिल रहा था। तो हमने काफ़ी देर तलाश किए, तो देखते हैं अब आप भी दिखाते हैं हमने उसके कपड़े कौन से लिए थे। तो अभी तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। बेसमेंट में थे बच्चों के कपड़े, तो हम लोग पहले बेसमेंट में गए तो उस काफ़ी फिर वहाँ पर लगे हुए थे। बच्चियों के भी बहुत सारे थे और बॉयज़ के भी काफ़ी कपड़े थे। अगले साल तक उसका पूरा आ जाएगा। देखो मेरे छोटा, ये क्या साइज है? 30। आप 30 नहीं पहनते हो? ये वाली नहीं, नहीं ये तो बड़ी नहीं लगी। देखो बंद गले वाला सही क्या लगा? ये वाली आई है मम्मी। क्या प्राइस क्या थी? ले लूं सा ना अभी वाले ड्रेस का। हां उसके साथ ब्लैक चलेगी ना? हां जी। इसमें ये पूरी होगी इसको? नहीं नहीं पीछे कुछ निमोन बहुत अजीब है। ये तो फिर रेड लग रहा है ना, उसको रेड पहले बहुत थे क्या वो छोटा सा। ये वाला मैंने इसके पीछे ले, इसके पीछे वाला ये तो ना सो मम्मी ये वाला मैं इसको मैं क्या सुनाई कर दी कहती है ये वाला ले ली, ये वाला उसको अच्छा लगेगा। मैं कहा ये ऐसे वाले कपड़े में कल देखूंगी। ये मुझे प्यारा लगा ये वाला, ये भी कलर प्यारा।
ये तो वो जिप में है ना, ये वाला नहीं, ये आप आपके लिए ना ले लें, इधर लगाओ जरा, साथ लगाओ जरा, इधर देखो बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं नहीं तो ऐसे रखो, ये है ही नहीं, ये है क्यों अच्छी लगती है आपको ये? ऐसी शर्ट्स आप पहनते हो? दिखाओ इधर, ये अच्छी लगी है ये, आ जाएगी। एक शर्ट पसंद आ गई है। अच्छा, आप ये दूसरी है? ऐसी अच्छी लगती है आपको? दूसरी भी सही आती है। आपको कुत्ते की जे? चलो अब डमी से चेंज हो जाओ और उतारो इसको। ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी, हानिया हरमैन को यहाँ पर लंच बॉक्सेस नजर आ गए थे तो वो उन्हें देखने लग पड़े, बस उनके इतने ज्यादा घर में पड़े हुए हैं लंच बॉक्स, लेकिन वो जहाँ भी देखते हैं बस उनको अच्छे लग जाते हैं, कहते हैं मामा ये भी ले लेते हैं, मामा ये भी ले लेते हैं। बस मैंने उनको कहा कि अपना शौक पूरा कर लो, इनको इधर ही देख लो फिर यहीं वापस रख दो, क्योंकि घर में बहुत सारे पड़े हुए हैं अभी फिलहाल, मुझे ज़रूरत नहीं है, जब नहीं होंगे आपके कुछ टूट गया या कुछ हो गया तो फिर हम ले लेंगे, अभी जस्ट इनको देखो और फिर वापस रख दो। बैग भी देख लेना है, बस डन कर लो, बस बस डन ठीक है। यहाँ पर ये नाइट सूट भी लगे हुए थे बच्चों के, मुझे बड़े अच्छे लगे थे और ये रीज़नेबल प्राइस भी थी, सेल पे लगे हुए थे तो अच्छे लग रहे थे। और हानिया के लिए लेना था मैंने, हरमैन का तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है पर कलर ये ब्लू था तो उसको पिंक चाहिए था, इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया। इधर दिखा, हरमैन का हमने यहाँ से ड्रेस लिया था और ये वही ड्रेस निकल आया था। हरमैन का तो खैर साइज़ थोड़ा बड़ा है तो ये हमें छोटे साइज़ में, हरमैन ने खुद ही ढूंढा था तो कहता मामा ये देखो मेरा ड्रेस, तो मैंने कहा अच्छा आपको कितना अच्छा मिल गया ना, तो उनका अपने साथ ज़रा लगाओ हम देखें कि वो वाला कैसा लगता है और ये कैसा लगता है आपको। है सेम वही था लेकिन साइज़ में फ़र्क था, ये बहुत छोटा था तो हरमैन ने बस देखा इसको, प्राइस वगैरह देखी और फिर वापस लगा दिया, क्योंकि हमारे तो किसी काम का नहीं था, हरमैन भी काफ़ी छोटा था और हम पहले ले भी चुके हैं हरमैन का। तो यहाँ पर अब्दुल रफ़ी के लिए हम ये सूट्स देख रहे थे,
कि इसमें से कौन सा लें, तो कलर और साइज़ और बस ये सब कुछ हम चेक करें थे। और ये मैं फिर आपको बाद में दिखाऊंगी कि हमने अब्दुर्रफ़ी के लिए क्या क्या शॉपिंग की थी। अभी तो हम उसकी जस्ट सर्च ही कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ लें और क्या लें। और यहाँ पर हानिया कुछ अपने ट्राउज़र्स देखने लग पड़ी थी, और ऐसा ट्राउज़र हानिया के पास पहले भी है था, तो वैसे हानिया को दोबारा ऐसे ही पसंद आ गया। क्योंकि हानिया पर तो पहले भी पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है दोबारा इसको लेकर। जो भी कोई चीज़ देगा इसमें डाल दी, पैसे ढकती है ये पेंट है ना इसके अंदर ही डाल दी, किसी को क्या आप इसमें पैसे भी डाल दीजिए। हाँ पॉकेट अलग से भी। यहाँ पर हमने कुछ लेडीज़ फैंसी ड्रेसेस भी देखे थे, ये देखें कितना प्यारा था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। और ये आगे भी सारी लगी हुई हैं और अच्छे कलर्स थे, लेकिन अब तो काफ़ी एक्सपेंसिव है हर चीज़ ही। खैर अब तो बहुत महंगी हो चुकी है। तो यहाँ पर हानिया को भी फिर कुछ पसंद आ गया था, और हानिया का तो पहले भी उस जैसा फ्रॉक है था, हानिया ने यहाँ पर देखा तो उसको दोबारा से पसंद आ गया था। जैसे ही चाहिए, इतना ही पर हैवी हो, दूसरा मोतियों लगा हो, पर इतना ही करो। ये मुझे कुछ अजीब सा ही ड्रेस लग रहा था, ये देखिए वूल में बना हुआ था, आगे से सारा फ्रंट इसका ओपन था और साथ इसके ट्राउज़र भी था। पता नहीं ये कैसे पहनने वाला था, क्या था, काफ़ी अजीब मुझे लगा। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये देखें ये कैसे बना हुआ है और इसको कैसे कोई पहनेगा। अभी जो है हम अलजन्नत पे आए हुए हैं, यहाँ से हमने बहुत से कपड़े खरीद लिए हैं। ये देखिए हमने इतने ज़्यादा कपड़े खरीद लिए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं। हम अलजन्नत पे आए, आप ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अब हम F10 आ चुके हैं, हमें अलजन्नत पे काफ़ी हमने वहाँ पर चीज़ें वगैरह देख ली थी और कुछ शॉपिंग भी कर ली थी। अब हम F10 आ गए थे, यहाँ पर कुछ देख रहे हैं अब्दुर्रफ़ी के ड्रेसेस। और मैं तो ये शेरवानी कह रही थी कि मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं होते ना, इस वजह से ये फिर हमने नहीं ली थी। तो हम आगे चल पड़े हैं और आगे देखते हैं अब और अब्दुर्रफ़ी के लिए क्या देखते हैं और क्या लिया था उसके लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ट में देखेंगे किस साइज के लिए? 1 साल। ये वाला ये जी। वो कहते अभी निकल के गए।